मैथ्स में क्वेश्चन आया था डीआई से रिलेटेड, फिर मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, सीआई से नहीं थे, एसआई से तीन शायद थे, तीन दो क्वेश्चन सिनोनिम, दो क्वेश्चन एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस एक एक क्वेश्चन थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं कि आज है 27 जून, तो एसएससी फेज 11 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो थर्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट छूट चुके हैं। हम डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, क्या पैटर्न रहा, कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो देखिएगा, हम भैया लोग आ रहे हैं, बात करेंगे। जी भैया, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा जी। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप सेशन? 85 क्वेश्चन। बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। आपको किस सेशन में थोड़ा टफ लगे? सारे सेशन ईजी थे। अच्छा, जीके जीएस में बात कर लें, क्या क्वेश्चन थे? ईजी थे। क्या कुछ क्वेश्चन आपको याद है? आर्टिकल से क्या क्वेश्चन आए थे? आर्टिकल का आया था आपका, एक दिल्ली का आर्टिकल आया था 339A वाला, और आर्टिकल का आया था जो अभी अनुसूची जोड़ी गई थी चौथे में, तो क्या जोड़ा गया था वो पूछा था जी। बस। और पॉलिटिक्स क्या क्वेश्चन थे? पॉलिटिक्स से याद नहीं मुझे। ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से नहीं, कोई एक कोई युद्ध से, कोई प्राचीन इतिहास से, कोई क्या थे? एक मिलान करने को दिया हुआ था, उसमें चार थे, उनको आपस में मिलाना था। अच्छा, जो करंट अफेयर आ रही है कुल कितने महीने की आ रही है? 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की? 21 की पूछा था। 21 का क्वेश्चन पूछा था, और आपकी कोई ट्रॉफी खेली गई थी उसमें तेलंगाना जीती थी, वो ट्रॉफी पूछा हुआ था जी। और इंग्लिश का लेवल क्या लगा आपके हिसाब से? इंग्लिश का लेवल ईजी था। कितने अटेम्प्ट किए इंग्लिश में आप? इंग्लिश में 23। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन थे, कुछ आपको रिकॉल है? इंग्लिश में नॉर्मली कम से कम दो क्वेश्चन सिनोनिम, दो क्वेश्चन एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस एक एक क्वेश्चन थे, और आपके थे फ्लिंग द ब्लैंक्स, एरर, सब वोकैब्स, इडियम फ्रेजेस सब वही है, सब इसी से आ जाते हैं। मतलब मैथ का लेवल क्या लगा आपको? मैथ का ही ठीक ठाक लेवल था, बट इजीली मतलब कोई भी नॉर्मली भी 20 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, 4 से 5 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बाकी सब इजी, बहुत आपको इजी। टाइम लगे क्या हो रहा? टाइम मैनेज हो गया, टाइम कम पड़ गया? टाइम की प्रॉब्लम होती है, अगर आप स्टार्टिंग में टाइम खो दोगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं खोते स्टार्टिंग में तो इजीली आप दोबारा भी चेक कर सकते हो जी। आपने कहीं मूक वगैरह दिए थे मूक टेस्ट से पहले? हाँ, तो वहाँ का क्या लेवल लगा, यहाँ कीजिए क्या? वहाँ से काफी इजी था, वहाँ पे टाइम कम पड़ता था कि यहाँ पे कम पड़ गया? पे कम पड़ता था, यहाँ पे हो गया भरपूर, हो गया। जैसे जस्ट आपका विपरीत हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसे बता रहे वहाँ पे टाइम कम पड़ता था, लेकिन यहाँ पे टाइम कम पड़ा, अच्छा पड़ा। अच्छा, जैसे कि जो इसका कल एग्जाम है उनके लिए मैसेज क्या क्या रहेगा आपकी तरफ से? कुछ नहीं, जो पढ़े हुए आके दे दे, अब क्या करेंगे जी। कुछ तो मैसेज रहेगा, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, क्या कुछ करके आए? कुछ नहीं करना, जितना पढ़े उतना ही कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और देखिए आ रहे भैया लोग, हम बात करेंगे। हेलो सिस्टर, आपका एग्जाम तो कैसा गया आपका एग्जाम? देख सकते हैं और भैया लोग आ रहे हैं, हम बात करेंगे। जी भैया, कैसा गया आपका एग्जाम? आ जी भैया जी, देख सकते हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, बात करेंगे। जी भाई, कैसा गया आपका एग्जाम? थोड़ा सा आइए यार, काहे के लिए भाग रहे हैं, इधर आइए। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक गया। कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? 70 अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा अटेम्प्ट रहा। और क्या, किस सेशन से आपको टफ लगे? क्वेश्चन सब मॉडरेट थे। क्या क्वेश्चन थे आपको इंग्लिश में, क्या क्वेश्चन बने थे, किस टॉपिक ज़्यादा बन रहे थे? इंग्लिश में ज़्यादातर वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी आ रही थी। और इसके बाद जीके जीएस में क्या क्वेश्चन थे? जीके जीएस में सब मिक्स था, ठीक ठाक था, सब इजी था जी। तो ओवरऑल क्या बच्चे एबसेंट हो रहे हैं अंदर एग्जाम हॉल में? नहीं, बहुत एबसेंट नहीं है, ठीक ठाक है जी जी। और किसी कल के लिए जिसका मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना है, सब लोग पढ़ ही रहे हैं। कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका ये वाला? किससे कैसे कौन सा अटेम्प्ट रहा है? पहली बार दे रहे हैं क्या, और किसी बार एग्जाम दे चुके नहीं हैं? एक बार दे चुके हैं। तो इसके यहाँ पे क्या लेवल, आप कहीं मूक दिए थे क्या? हुआ मूक टेस्ट आपने कहीं दिया था? मॉक टेस्ट, हाँ। कहाँ, वहाँ लेवल क्या, इसके लेवल क्या, इजी लगा कि टफ लगा? नहीं, सब सेम है। कहाँ से हैं आप? मुगलसराय से। कैसा आपका गया एग्जाम? पेपर बहुत इजी आ रहा है, और मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है, लेवल बहुत लो है। बहुत लो है जी। हाँ। कुछ क्वेश्चन आपको याद है जीके जीएस में, क्या क्वेश्चन थे? जीके जीएस पे ये क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक का मतलब ओलंपिक की वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है जी। और क्या क्वेश्चन थे? और जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन था। फिर मैथ्स में क्वेश्चन आया था डीआई से रिलेटेड, फिर मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, मतलब माधिका जो क्वेश्चन आया, जो नए जो पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं माधिका वाले से मिड, कितने क्वेश्चन थे इसके? लगभग दो क्वेश्चन थे। हाँ। जी, और लगे आपकी इंग्लिश क्या सेशन लगा? इंग्लिश बहुत इजी है, इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ रहा है, और स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स कितने क्वेश्चन थे? फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन। वोकैब्स से? वोकैब्स के लगभग 4 क्वेश्चन। और सिंटोमी एनोमिम्स कितने क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला? दो। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्वेश्चन थे?
हाँ एक 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 क्वेश्चन थे। हाँ ओवरऑल पेपर का लेवल क्या लगा? मतलब सिंपल है। सिंपल है। हाँ। आपने कोई लगी कोई एग्जाम दिया है क्या? फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं आप? लगातार मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं जी। एमटीएस का मतलब कोई आपने एग्जाम दिया? एसएससी का भी? हाँ एसएससी का मैंने सीजीएल पहला दिया था, अभी एमटीएस का दिया है जी। अच्छा आपने कहीं मूक वगैरह दिए थे आप? हाँ। तो वहाँ से मूक टेस्ट यहाँ क्या लगा, कुछ हेल्पफुल मिला? बहुत हेल्प मिला, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा वहाँ पे टाइम मैनेज हो जाता था, यहाँ पे कम पड़ा, ऐसा कुछ लगा? यहाँ पे थोड़ा मतलब कम पड़ा, जैसे कि वहाँ पे मैनेज हो जाता था, यहाँ पे थोड़ा कम पड़ा। हाँ। ये कह सकते हैं। अच्छा जैसे कल के लिए जिसका एग्जाम है उनके लिए मैसेज क्या रहेगा? उनके लिए बस मैसेज यही रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर पर स्टिक रहें, बाकी सभी चीज़ें बहुत ईजी है। अच्छा वहाँ पे एग्जाम हॉल में काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ एब्सेंट हैं। लगभग कितने वहाँ पे थे सीटें, कितने बच्चे स्टूडेंट एब्सेंट थे? 25 या 30 के लगभग एब्सेंट थे। एब्सेंट थे। हाँ जी। आपने कहीं मतलब कि सेल्फ स्टडी किया था या आप कहीं कोचिंग क्लास? सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास आपने किया? हाँ। था कहाँ से? आदित्य रंजन से मैथ्स। हाँ। और फिर गगन प्रताप से भी पढ़ लेती थी जी। अभी आप एसएससी की एग्जाम एसएससी का कितने ईयर से आप कर रही हैं? वन ईयर से कर रही हैं। हाँ। कौन से आप इससे कि डेली का क्या रहता है रूटीन पढ़ाई का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट जाना चाहिए। टारगेट स्टडी करते हैं जैसे कितने बजे कितना क्या किस टाइम? जैसे डेली लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी आप जाती हैं? वहाँ कितने घंटे टाइम देते हैं, कौन सी लाइब्रेरी है? रुद्रा लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे डेली स्टडी करते हैं टारगेट वाइज। मॉर्निंग से जाते हैं और शाम में घर वापस आ जाते हैं जी। मतलब कि आप फुल टाइम देती हैं लाइब्रेरी में? अच्छा क्या लाइब्रेरी में ना जाने इसका रूम में पढ़ाई नहीं हो सकती है? रूम पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है जी। ऐसे ओवरऑल आप कुछ मतलब मोटिवेशन क्या देना चाहती हैं स्टूडेंट को? अब लास्ट में कुछ मोटिवेशन यही देना चाहते हैं कि आप मतलब लगे रहिए प्रीवियस ईयर पर, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आप सेलेक्ट हों इसमें। जिससे आओ भैया लोग आ रहे हैं, हम बात करेंगे जी। भैया कैसा क्या आपका एग्जाम, थोड़ा सा आइएगा बातचीत करेंगे, एक मिनट आ जाइए। बढ़िया था। आ जाइए, कैसा क्या एग्जाम भैया? एकदम बढ़िया। कहाँ से आप? हम सुल्तानपुर से जी। है आप कुल कितने अटेम्प्ट किए चारों सेशन में? अरे यार ज़्यादा नहीं कर पाए। कितना किए? 72 करे रहे यार। चलिए कप्पर ही बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपके, जेन्युइन किए होंगे। तो क्या क्वेश्चन थे, किस सेशन को थोड़ा टफ लगे आपको? टफ कौन ना रहन, सब नॉर्मल रहन, बस कैलकुलेटिव थोड़ा सा मैथ्स था, वो दो चार क्वेश्चन जी। टाइम कम पड़ गया, टाइम मैनेज हो गया आप? टाइम तो मैनेजमेंट हो गया। अच्छा आपने कहीं मूक बहुत ज़्यादा दिए थे क्या? मूक टेस्ट आपने दिया था इसके पहले? बहुत देते रहते ना, तो अक्सर आदत पड़ी रही। आदत पड़ी आपको, पूरा क्वेश्चन देख ली थी आप? अरे यार पूरा देखने के बाद 7-8 मिनट बचा था। अच्छा बचा था आपका? आप ही ऐसे जी, आप ही ऐसे स्टूडेंट जैसे बताया कि 7-8 मिनट टाइम बचा था, नहीं तो सबको बता रहे हैं टाइम कम ही पड़ जा रहा है। नहीं जो नहीं आ रहा था ना उसको आगे निकल जाना चाहिए, फिर पता लगता वहीं पे रुक गए हैं, नेता बनने लग जाते हैं, सारा क्वेश्चन करके आएंगे, हमसे बड़ा कौन नहीं है। अरे बस जी। अच्छा जीके जीएस में क्या क्वेश्चन है? आपको काफी अनुभव, काफी आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्वेश्चन थे कुछ आर्टिकल से जीके जीएस से? हाँ आर्टिकल तो था यार, दिल्ली कौन सा आर्टिकल में आया, लेकिन वो दिल्ली में विधानसभा होगी कौन से आर्टिकल में, लेकिन हमको पता नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा संविधान आता है मतलब आता है काफी जी। और क्या क्वेश्चन थे कोई पॉलिटी से? पॉलिटी से यही एक याद है, एक ही था शायद। और जियोग्राफी से क्या क्वेश्चन बने थे? जियोग्राफी से नहीं था, एक को नहीं था। और कोई प्राचीन, कोई इतिहास से? हिस्ट्री से तो यार एक दो थे, वो क्या उनका था, चालुक्य वंश का पूछा था। अच्छा कोई बाबर अकबर, कोई अलग किसी बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये नहीं? अच्छा कोई इससे कि कोई राज्य का डांस, कोई नृत्य आया था? बहुत आया था यार, 4-5 तो पूछा था, एक को नहीं आ रहा था, एक को नहीं आ रहा था जी। अब करंट की बात कर लेते, जो करंट आई थी वही करंट इनका था शायद, क्या नाम है इनका, मेरी यार इनका क्या नाम है, मेरी काम वाला जो अध्यक्ष बनाई नहीं गई उसका, उनका पूछा मेरी काम वाला उनका। अच्छा कुल कितने महीने करंट आ रही, लगभग साल भर की, 2 साल की, 6 महीने की? ज़्यादा खेल से ही करंट था ये, लगभग इसी पिछले साल इसी से होंगे, पिछले से लगभग खेल के ही थे, खेल के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं इंग्लिश में, अब इंग्लिश में क्वेश्चन क्या थे, किस टॉपिक ज़्यादा बन रहे थे? सब में नॉर्मल वैसे उठा, जैसे नॉर्मल एसएससी उठाता है, हस्तक वैसे नहीं उठा। अब मैथ का लेवल क्या लगा, किस टॉपिक ज़्यादा देखने क्वेश्चन मिला इसमें? मैथ्स में हाँ इसका मिले परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन थे और प्रॉफिट लॉस के भी थे। अच्छा सी आई एस आई से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? सी आई से नहीं थे, एस आई से 3 शायद थे, 3 क्वेश्चन थे। क्या मतलब टेक्नामेंट्री से, डी आई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं? टेक्नामेंट डी आई से 2 थे, टेक्नामेंट्री से 1 था, एक क्वेश्चन थे जी। और सिंप्लीफिकेशन कितने क्वेश्चन देखने को मिला? 2-3। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट का है, मॉडरेट है। अभी जिसका 27-28-29 तारीख एग्जाम है उनके लिए मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? अरे भैया वो पढ़ के आओ, जो नित्र वाला है वो पढ़ के आओ, ये फ्री में नंबर देता है, ठीक है वो जल्दी अच्छा। पढ़ा जा सकता है। और कोई जैसे जनगणना कोई क्वेश्चन इसमें आया था? हाँ एक होता है यार, 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर पूछा था। अच्छा वो पूछा था, कम या ज़्यादा करके दिया था उसने? हाँ थोड़ा थोड़ा था, 72-68 करके था। अच्छा वो कुछ मतलब कि वन लाइन में कोई मोटिवेशनल देना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए?
यार हार्ड वर्क मेहनत करो उससे ज्यादा कौन सा ऑनलाइनर है। और कुछ मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कैसे आपका क्या चीज़ है? बहुत बढ़िया है, एक नंबर, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, आगे बहुत अच्छा ग्रो। बहुत बहुत थैंक यू, आप भविष्य के लिए सेलेक्ट हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत। जैसे कि स्टूडेंट ने बताया काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिए, देखिए जो टाइम है, टाइम यदि आपको मॉक टेस्ट दिए हैं तो अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट कर ले जाएंगे। और थोड़ा सा जो जीके जी एस आ रही स्टैटिक लेवल थोड़ा सा करंट है वो, तो आप लोग उसी पे काम करिएगा। जिसका एग्ज़ाम 28-29-30 तारीख को है तो उसने वो तीन चार दिन में अपना जो कमजोरियाँ हैं उसको बेस को कम्प्लीट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।